जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से कौन वीडियो में। दोस्तों अभी 8:30 हो गया है और अभी बिस्तर में ही हूँ, दे सकते हैं। इतना ठंडी है कि ठंडी की वजह से बिस्तर से निकलने का ही मन नहीं करता। तो अभी 8:30 हो गया है, अभी चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं अच्छे से। जय श्री राम दोस्तों, अभी फ्रेश हो गया हूँ और अभी चलते हैं, सबको सरिया लेते हैं, जो सब सरियाना है वो सब। और इधर गमछा भी सरियाना है, इधर देख सकते हैं। और अभी लाइट कटा हुआ है तो अंधेरा थोड़ा है, यहाँ से थोड़ा जो दिख रहा है। तो अभी चलते हैं सरिया वरिया करके मिलते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितना धुंध लगा हुआ है यहाँ देख सकते हैं, धुंध से भरा हुआ है पूरी तरह से। चलते हैं, सबको सरिया लेते हैं, जो जो सब सरियाना है और सब। आज फेरी पर चलना है लगभग 12 दिन के बाद। दोस्तों अभी खाना खाते हैं, देख सकते हैं, खाना खा लेते हैं, स्वाद में चलते हैं। मालू सरिया लिए हैं, लोड करना है, खाना खाएंगे, लोड करेंगे, निकल जाएंगे। अभी दोस्तों 10:15 हो गया है, अभी कितना टाइम, 10:15 हो गया है, तो खाते हैं, लगभग 10:30 बजे से निकलेंगे। दोस्तों अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी देख सकते हैं धूप भी आ गया है और आज लगभग 12 दिन के बाद फेरी पर निकला हूँ। तो आज बहुत मन में हिचकिचाहट था घर से निकले हैं तो टाल मटोल करते उड़ते 11:15 हो गया है, अभी 11:30 हो रहा है। तो चलते हैं और घर से निकलते ही फ्रेश मौसम हो गया है, तो अभी धूप आ गया है, देख सकते हैं। बोहनी भी हो गया है अपना गाँव से निकलते ही, फर्स्ट गांव में ही 350 से तो बोहनी हो गया, तो और भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों फिलहाल चलते हैं, घूमते हैं अगला गांव में, देखते हैं कितना का सेल हो पाता है। फिलहाल 1-2 गांव में घूम के फिर मिलते हैं। तो दोस्तों घूमते हुए पिछला गांव घूमते हुए आए हैं, 2 गांव घूमे हैं दोस्तों और टाइम अभी 12 बज गया है, कुछ भी सेलिंग नहीं हुआ है। 12 दिन बाद आ रहे हैं ना फेरी पर, से दूसरे तरह टाइप के लगता है। फेरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब वो चाट जैसे लगता है, दूसरे टाइप का लगता है। और वो तो बोहनी हो गया है, आ रहे थे रास्ते होकर के अपना गांव में ही तो बिका गया है, तो बोहनी तो हो गया 350 से। लेकिन ऐसे अभी घूम रहे हैं तो दूसरे टाइप का चाट जैसा लगता है, फिर भी आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 2 गाँव घूमे हैं अभी, इस 2 गाँव में कुछ नहीं बिका है, अभी चलते हैं फिलहाल अगला गाँव में घूमते हैं। अलग अलग 2 गांव हैं तो दोनों गांव में घूमते हैं, देखते हैं इस गांव में बिकता है कि नहीं बिकता है, फिर इस 2 गांव में घूम करके फिर मिलते हैं। और दोस्तों लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए, शाम तक कितना का सेल होता है वो सब बताएंगे। फिलहाल घूमते हैं इस 2 गांव। दोस्तों अभी 1:30 बज गया है और 2 गाँव में ही लगभग 1.5 घंटा समय लग गया और सेल मात्र 350 का हुआ है, बस 350 का हुआ है, तो सेल बहुत कम हो रहा है। और उधारी ज़्यादा मांगता है इस समय में, उधारी इतना मांगता है कि तबाह कर देता है। उधारी नहीं दिए हैं तो और आदमी नहीं लिया है, तो वही 300 का आसपास सेलिंग हुआ है 2 गांव में और 300 उधर उधर हुआ था, यानी कि 650 का टोटल सेलिंग हुआ अभी तक, 1:30 बज गया है। फिलहाल चलते हैं घूमते हैं अगले गाँव की तरफ और इस समय का भी देख सकते हैं, धूप है,
ठंडा तो है ही है, हवा चलता है, गाड़ी चलाते हैं तो ठंडा हवा लगता है, ठंड भी लगता है। फिलहाल घूमते हैं अगले गांव में, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी 6:45 हो गया है और उस समय से जो है ना, जहाँ आप लोगों से बात किया वहाँ से चलने के बाद मात्र दो गांव में ही टाइम वेस्ट हो गया है और दो ही गांव में सेल अच्छा खासा हुआ है। लगभग कितना 1600-1700 का सेल, 1700 का सेल हो गया है। तो सेल तो ठीक ठाक हुआ है, 1700 का सेल हुआ है। और टोटल सेलिंग की बात करें तो दोस्तों 1700-1600 हुआ था, यानी कि 2300 का सेल हुआ है मात्र दो ही गाँव में। तो सेल तो मस्त है, लेकिन दोस्तों कस्टमर इतना ज़्यादा मोल भाव करता है, इतना ज़्यादा मोल भाव करता है कि मोल भाव की वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है दोस्तों। और इस समय थोड़ा बिक्री कम चलता है, बिक्री कम चलने के साथ साथ कस्टमर उधार भी बहुत ज़्यादा मांगता है। उधारी की वजह से तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फिर भी उधार नहीं लगा रहे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा उधार लग गया है। कितना 150 रुपये तक अपना गाँव में ही उधार लग गया है और उसके बाद में 350 रुपये उधर उधार लग गया है। तो लगभग 150-350 रुपये आज उधार ही लग गया है। उधार दोस्तों नहीं देना चाहते, लेकिन इतना ज़्यादा फेरी वाला इस समय हो गया है कि किसी न किसी से ले लेता है, जो उधार देता है उससे ले लेता है कस्टमर। ऐसे आप कितना भी कम करके देंगे और नकद देंगे, लेकिन वो उधार ही मांगता है, बहुत ज़्यादा उधार मांग रहा था। नहीं करते करते फिर भी 500 का उधार लग गया है। तो आज का इनकम हुआ समझिए वो उधारी में ही चला गया। हमको सेल करना था क्योंकि हमको लोन नज़दीक आ गया है, 12 दिन बैठ गया हूँ, उससे पिछुआ गया हमारा काम तबीयत ख़राब की वजह से। तो दोस्तों अभी चलते हैं, अंधेरा हो गया है दोस्तों, और घर पे चलते हैं। वीडियो बनाने का फुर्सत ही नहीं मिला है, इतना कस्टमर तबाह करता है। तबाह क्या मतलब कि कस्टमर से बात करना मोल भाव बहुत ज़्यादा करता है, ज़रूरत से ज़्यादा मोल भाव करता है। और उधार तो इतना ज़्यादा मांगता है कि ले लेता है सामान और बोलता है उधार दो। उधार कैसे देंगे, हम छोटा मोटा व्यापारी हैं, कोई बड़ा व्यापारी थोड़ी है कि लगा रहेगा अब मिलता रहेगा। ऐसे मिल जाता है, उधारी वाला पैसा मिल जाता है, लेकिन दौड़ाता बहुत। और जितना आदमी लिया है वो परसों का डेट दिया है, देखते हैं देता है कि नहीं देता है। चलिए फिलहाल चलते हैं दोस्तों घर पे, अंधेरा भी हो गया है और नाश्ता किए हैं अभी, फिलहाल अभी किए हैं, देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, इस समय नाश्ता किए हैं और थोड़ा सब्ज़ी लिया है, अभी जल रहे हैं सब्ज़ी। यहाँ पे देख सकते हैं इसी में है, गोभी है, फूल गोभी है या बंधा गोभी है, यही लिए है, मिर्ची उर्ची लिए है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं घर पर। और दोस्तों आज टोटल सेलिंग के बाद तो ही 2300 का सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग तो मस्त हुआ है, लेकिन उधार ज़्यादा लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, थोड़ा लेट सही। चलिए मिलते हैं दोस्तों घर पे नहीं, क्योंकि दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।